नमस्कार। जी हाँ, मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिला है। कई जगहों पर कल भयंकर ओलावृष्टि देखने को मिली है। तूफानी बारिश के साथ भयंकर ओले गिरे हैं। आपको बता दें, राजसमंद, उदयपुर, नागौर समेत कई जिलों में दोपहर के बाद तूफानी बारिश का दौर शुरू हुआ और किसानों को कमर तोड़ डाली, क्योंकि ओलावृष्टि देखने को मिली। साथ ही तूफानी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई। घरों की सीढ़ियों पर, छतों पर झरने बहने लगे। मैदानों और सड़कों पर ओले की चादर, कश्मीर जैसा हालत राजस्थान में देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ से आए बदलाव का कारण अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, टोंक समेत अन्य जिलों में बदलाव देखने को मिला है। इन एरियों में दोपहर के बाद आसमान में घने बादल छा गए और कई जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिला और भयंकर ओलावृष्टि। इधर किसानों के लिए समस्या बढ़ गई। अजमेर, राजसमंद, जयपुर, उदयपुर समेत कई जगहों पर रबी की फसल तैयार को काफ़ी नुकसान पहुंचने की आशंका, क्योंकि मौजूदा समय में सरसों की फसल कटाई कर खेतों में पड़ी है, वहीं दूसरी ओर गेहूं की फसल खेतों में पककर खड़ी है। इसलिए यहां भयंकर किसानों को नुकसान हुआ है। मौसम की माने तो आज भी ओलावृष्टि में बारिश का अलर्ट जारी रहेगा और 9 मार्च को राजस्थान के कई शहरों में इसका बदलाव देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने अजमेर, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज आंधी चलने के साथ ही बारिश में ओले गिरने की आशंका मौसम विभाग ने लगाई है। साथ ही बारिश में ओलों से पहले ही प्रदेश में यह मौसम गर्म रहा। मौसम विभाग की माने तो बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और कई क्षेत्रों में भयंकर ओलावृष्टि से काफ़ी ज़्यादा किसानों को नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के मेड़ता और बिलाड़ा, डेगाना, सांजू, तरनाव, छोटी खाटू, कालू, जैतारण लगभग 100 किलोमीटर की एरिया में ओलों के साथ जोरदार बरसात चालू हो गई और जीरा का बड़ा एरिया था नागौर में, उसके आसपास इलाकों में तेज आंधी शुरू हुई और भयंकर ओलावृष्टि मेड़ता क्षेत्र में भी देखने को मिली। काफ़ी ज़्यादा इन एरियों में किसानों को नुकसान हुआ। सही में सटीक जानकारी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मौसम की हर अपडेट के लिए आपको रोजाना अपडेट करवाते रहते। इसलिए जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।